हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी 24 विवेक पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र लाए हैं और आपको बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ और जाकर के लास्ट में किस नदी से मिल गई। ठीक है, आप लोगों ने जैसे प्रीवियस वीडियो में हमारे गंगा नदी तंत्र देखा था, उसी तरह आपको हम इस वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सारी जानकारी देंगे, बताएंगे इसका उद्गम कहां से हुआ, इसके दाहिने और बाएं भाग से कौन सी नदियां आकर के मिली, किन किन भारत के राज्यों से होकर नदी गुजरी और लास्ट में जाकर के किस नदी से मिल गई। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करें। तो देखते हैं हम देरी ना करते हुए कि ब्रह्मपुर नदी हमारी है, इसकी कुल डिस्टेंस कितनी है। तो आप बताएंगे बच्चों 2500 किलोमीटर ब्रह्मपुर नदी की कुल डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुर नदी की भारत में कितनी डिस्टेंस है बच्चों, तो आप लोग क्या बताएंगे कि भारत में इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो आप बताएंगे 916 किलोमीटर जो हमारी है इसकी भारत में डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं कि ब्रह्मपुर नदी का उद्गम कहां से हुआ। तो आप लोगों को बताता हूं मैं, जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी हमारी बच्चों है, क्या है, कैलाश पर्वत श्रेणी है, वहीं पे एक ग्लेशियर पड़ता है, क्या कहते हैं, चेमायुंगयांग ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, जो कहां पे पड़ता है हमारे बच्चों, तिब्बत में पड़ता है, और इसी के पास एक झील पड़ती है, क्या पड़ती है, इसे क्या कहते हैं, मानसरोवर झील भी बच्चों कहते हैं। ठीक है, तो यहां से ब्रह्मपुर नदी का उद्गम हुआ, तो इसे हम बच्चों तिब्बत में सांपो नाम से भी जाना जाता है, इसे तिब्बत में सांपो नाम से कहते हैं। और आकर के इसे बाएं साइड से तिब्बत में दो नदियां मिलती हैं, एक का नाम बच्चों क्या है, न्यानचू नाम है, और दूसरे का नाम क्या है, पारलुंग सांपो। ठीक है बच्चों, तो ये दो नदियां हमारी हैं जो कि बाएं साइड से आकर के इस सांपो नदी में मिलती है, और ये हमारे नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला से होकर के इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है बच्चों। ठीक है, तो यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो हमारी नदी है कौन सी नदी है, सांपो नदी है, तो ये इंडिया में किस राज्य में प्रवेश करती है, तो आप लोग बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है, और किस पर्वत श्रृंखला से प्रवेश करती है, तो आप लोग बताएंगे नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला से प्रवेश करती है। ठीक है बच्चों, तो आगे बताते हैं कि जैसे ही नदी हमारी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तभी से इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी से नाम पड़ गया बच्चों। ठीक है, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश में ये नदी आई, तो यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी पड़ गया। ठीक है बच्चों, क्या पड़ गया, ब्रह्मपुत्र नदी पड़ गया यहाँ पे नाम इसका। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पड़ गया इसका नाम यहाँ पे, और अरुणाचल प्रदेश में ही आकर के हमारे क्या बच्चों, बाई साइड से एक नदी और आकर के इसमें मिलती है, इसका क्या नाम है, दिबांग नदी। ठीक है बच्चों, दिबांग नदी इसके बाई साइड से आकर के अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, और दूसरी नदी कौन सी है, लोहित नदी और बूढ़ी दाहिंग नदी। कौन सी बच्चों, लोहित नदी और बूढ़ी दिहिंग नदी, ये दोनों नदियां आपस में मिलकर के आकर के यही अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश में बाएं साइड से कितनी नदियां करके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं, तो आप लोग बच्चों बताएंगे तीन नदियां करके मिलती हैं। तीन नदियां कौन सी हैं, दिबांग नदी, लोहित नदी और बूढ़ी दिहिंग नदी। ठीक है बच्चों, तो जो बूढ़ी दिहिंग नदी है ये आकर के लोहित नदी में ही मिल जाती है, और आकर के ये दोनों मिल जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे, और आगे बढ़ करके देखते हैं कि यहाँ पर के ये आकर के असम में मिल जाती है, और यहाँ पर आकर के एक द्वीप है हमारा, कौन सा द्वीप बच्चों, मांजुली द्वीप है। ठीक है, तो यदि आपसे बच्चों एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, मांजुली द्वीप, जो कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कि जो बाएं साइड से नदियां मिल रही हैं, अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो नदी आगे बढ़ती है ब्रह्मपुत्र नदी, और आकर के इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, धनश्री नदी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने पर तेजपुर पड़ता है, और तेजपुर के पास एक कापिली नदी भी आकर के इसी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है बच्चों, फिर गुवाहाटी के पास देखते हैं, गुवाहाटी से नदी होते हुए धुबरी से होते हुए लास्ट में आकर के जब हमारी गंगा से मिलती है, तो ये नदी को क्या कहा जाता है, पद्मा या मेघना कहा जाता है। ठीक है, चांदपुर के पास आकर के गंगा से मिलती है, तो इसे क्या कहते हैं, पद्मा या मेघना कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी क्या थी, बाएं साइड से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली नदियां थी बच्चों। ठीक है, तो अब हम बताएंगे आपको कि दाहिने साइड से कितनी नदियां हैं जो इस ब्रह्मपुर नदी में मिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पहले कि जो हमारी दाहिने साइड से है वो पहली नदी कौन सी बच्चों है, दिहांग नदी है, जो आकर के यहीं पे असम के पास
इस ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है बच्चों, ठीक है। इसके आगे क्या है हमारा, जहाँ पे धनत्रिया करके मिलती है बाएं साइड से, यहीं पे दाहिने साइड से सुबनसिरी नदी एंड रंगा नदी भी आकर के इसी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है बच्चों, ठीक है। बच्चों आगे देखते हैं कि तेजपुर के पास जिया बरेली नदी भी आकर के इसी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है बच्चों, ठीक है। फिर आगे क्या है, पुथमारी नदी है बच्चों, क्या है ये, पुथमारी नदी भी आकर के दाहिने साइड से इसी नदी में गुआ घाटी के पास मिलती है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए, ये मानन नदी, सपकई नदी, संकोच नदी और तिस्ता नदी, ये नदियां भी दाहिने साइड से आकर के इसी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, ठीक है बच्चों। जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, जमुना पड़ जाता है, और गंगा आकर के ये पद्मा कहलाती है, यही लास्ट में बांग्लादेश के पास। तो ये नदी सारी आपस में मिलकर के लास्ट में जाकर के वे या बंगाल में गिर जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, पद्मा या मेघना नदी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। क्या कहा जाता है, पद्मा या मेघना नदी कहा जाता है बच्चों, ठीक है, यहीं पे मिल जाते हैं। और एक मणिपुर साइड से एक बाई ओर से नदी आके मिलती है, जिसका क्या नाम है, बराक नदी या सूरमा नदी, भैरव पॉइंट से होकर के मेघना के नाम से इसी में आकर के मिल जाती है, तभी इसी को पद्मा या मेघना नदी बच्चों कहा जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था, जिसमें आपको बताया गया कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है टोटल, और इंडिया में लंबाई इसकी 916 किलोमीटर है, भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो अरुणाचल प्रदेश और असम दो राज्यों से होकर के भारत से गुजरती है, लाट में जाकर के बांग्लादेश से होकर के वे या बंगाल में बच्चों ये गिर जाती है, ठीक है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो भारत का ये हिस्सा है, ये हिस्सा भारत का है, यही हिस्सा यहाँ पे आपको मैप में दिखाया गया है, ठीक है। तो यही थे हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आशा करते हैं आप लोगों को कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अच्छे से समझ में आया होगा। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। मैथ, रीजनिंग और हिंदी, जीके, जैसे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाए जाएंगे, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। तो बच्चों नए हैं, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद।